One tip to at least Daniel Zafar on camera. You don't have to trust people. Don't make the mistake, what I made, of trusting people blindly. Just be a little cautious. Ali, Zain, आपके भाई हैं छोटे, उसके बाद दानियाल. मगर दानियाल को आप भाई की तरह नहीं, बच्चों की तरह. आपका अपना बेटा है जान, मगर आप दानियाल को मैंने हमेशा देखा है बच्चों की तरह समझाते हैं. क्या आप यार हाँ? जब दानियाल पैदा हुआ था तब मैं 15 साल का था. ठीक है, तो अब वो मेरे सामने ही एक तरह से वो बड़ा हुआ है बच्चों की तरह. और मेरी बड़ी उससे ज़्यादा एक कहते हैं ना कि एसोसिएशन है. वो तो है, क्योंकि उसको म्यूज़िक का जब उसको मैंने अपने जो मेरा उस वक्त एक उस वक्त आईफोन ये चीज़ नहीं थी, तो एक जैन प्लेयर होता था, तो वो मैंने अपनी जो उसके अंदर जो प्लेलिस्ट थी वो उसको दे दिया. अब उसमें वो बच्चा जो है वो 10 साल का पिंक फ्लॉयड और ब्लैक सैबथ और लेनी क्रैविट्स और जॉन मेयर और इनको सुन रहा है, तो उसकी लिसनिंग ही वहीं से डेवलप हुई. और वो 11 साल की एज में अच्छा खासा गिटार वटार बजाना शुरू हो गया था. सो आई हैव ऑलवेज सीन ग्रेट पोटेंशियल इन दानियाल. ठीक है, उस बेचारे के लिए चैलेंज ये है कि उसकी शक्ल मुझसे कुछ मिलती है बहुत ज़्यादा, और वो लोग एकदम से कहते हैं कि यार ये उसका भाई है. लेकिन मुझे ये पता है कि उसका टैलेंट, अपना इनफरादी टैलेंट और पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि वो मुझे भी पीछे छोड़ देगा. और वो इस चीज़ को भी इस जो है ना वो हटा के अपना एक मकाम बनाएगा. हम एक टूर कर रहे थे, शायद आपको याद नहीं होगा, तो हम कनाडा से वापस आए थे, तो हमारे साथ मुबशर लकमान थे. तो उन्होंने कहा, मैं कल ही आपका ऐड देख रहा था टेलीनॉर के टीवी उसका, तो आपने कहा मैं नहीं हूँ दानियाल है. मगर मुझे फील आती होगी कि यार मतलब मैं उससे 15 साल बड़ा हूँ, और अगले बंदे को यही फील आ रहा है मैं हूँ. मैं इंसान को एक बूस्टर तो मिलता होगा. हमारी शुरू में एक बात हो रही थी ना, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन. जी, तो अम्मी मुझे अब याद कराती हैं कि तुम जब बचपन में तुम कहते थे कि अम्मा मेरा जुड़वा भाई क्यों नहीं है कोई, तो ये तो वो 15 साल बाद एक तरह से कहते हैं कि वो चीज़ भी पूरी हो गई. छोटा सा हमारा सेगमेंट है अनमोल जुमले, इसको आपने अपनी तरह से कहने. सो लोग कहते हैं मैं कबाबी हूँ, मैं शायर तो नहीं मगर शायरी तो आती है. मेरे सामने वाली ऊपर है फिलहाल. कभी कभी मेरे दिल में धमाल आती है. बसंती इन अब वापस आ जाओ. अच्छा ठीक है. मैं और मेरी तन्हाई अक्सर गाने गाते. सोचा ना था कभी हम नहीं है समा. छनों की आंख में पता नहीं क्या है अपना बाल जो अभी तक लोगों को लगा हुआ है. ठीक है. कभी अली आपको वैसे फील हुआ कि यार ये मतलब ज़्यादा ही ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन ही होता, कि आपको एक छनों अभी भी कोई बंदा आपके पास आता होगा, आपने इतना कुछ कर लिया इसके बाद भी, मगर वो छाप छनों की, ये एक अचीवमेंट भी है. बट होता है ना इंसान कहते यार मैंने और भी बहुत कोई किया है, उसकी बात भी कर सकते हैं. वो नहीं जा रही आइडेंटिटी जो है ना, लोगों ने आपका क्लेम ऑफ फेम छनों बना दिया. यार मैं तो बड़ा अच्छा लगता है अभी तक कि मतलब आई थिंक बहुत से म्यूजिशियंस और सिंगर्स इस चीज़ के ख्वाह होंगे और तरसते होंगे कि ऐसा कोई गाना और हिट मिल जाए कि सारी ज़िंदगी लोग उसको उनसे शनाख्त से पहचाने और हर किसी को उस गाने का पता हो, तो किसी को नसीब होता है. पहली वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज एपिक रैपिड फायर. तो रैपिड फायर तैयार करते हैं थोड़ी देर, जल्दी. एपिक मोमेंट इन लाइफ. आई थिंक जब अजान पैदा हुआ था. एपिक सेलिब्रिटी एंड एपिक सेलिब्रिटी दोस्त. कैटरीना कैफ. बिल्कुल बनते हैं आपकी दोस्त. एपिक डेस्टिनेशन एम्स्टरडम. बहुत ठीक है. एपिक फिल्म टीफ एंड ट्रबल कह सकते हैं. एपिक सिंगर एंड बैंड. बैंड यू टू. ऑलराइट. कोल्ड प्ले. पिंक फ्लॉयड इज नंबर वन फॉर मी. ज़ेप्पेलिन. मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूँ उस हवाले से. सिंगर फ्रेडी मर्करी. ऑलराइट. किशोर कुमार. फ्रैंक सिनाट्रा. एल्विस. एपिक डायलॉग. मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठा. ये बात तो सही है. और मेरा बिल्कुल ऑपोजिट है. मैं उठाता ही फेंके हुए पैसे. अच्छा ये बताएं कि एपिक कोलैबोरेशन आपके लिए क्या होगी, जिसके साथ आप चाहें कि यार. यार आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद स्टिंग. दुआ लिपा के साथ भी हो सकता है आजकल. एपिक कोट. ये दुनिया 2 दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक में और एक दिन तुम्हारे मुखालिफ. हजरत अली. हजरत अली. जिस दिन तुम्हारे मुखालिफ हो उस दिन सब्र करना, और जिस दिन तुम्हारे हक में हो उस दिन गरूर मत करना. एपिक बुक. एक अभी रिसेंटली मैं चाह रहा था इसको लोग उसको लोग पढ़ें. इट्स कॉल्ड द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड. इट्स अ गुड रीड. सो प्लीज़ पढ़ें.
क्योंकि अली की बातों से आपको लग रहा होगा कि वो उस बुक के अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट होगा जो मिल जाएगा आपको। हाँ, कैटरीना कैफ या माया अली? माया अली। ठीक है, क्या हुआ? कुछ जूडी खान सी तो नहीं, सही है थोड़ा सा। इमरान खान द कैप्टन और द ह्यूमैनिटेरियन और द प्राइम मिनिस्टर? एज अ कैप्टन और ह्यूमैनिटेरियन फिलोसोफिस्ट, वो तो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस आर अनडिनायबल। एज अ पॉलिटिशियन मैं उनके बारे में आई वुड, जब तक उनके 5 साल कंप्लीट नहीं हो जाते आई वुड रिजर्व माय कमेंट्स। यस, बिकॉज मुझे लगता है कि इंसान को वो टाइम तो देना चाहिए ना, चांस जो एक टाइम ड्यूरेशन हो। बड़ा आप शौकत खानम के साथ उनके टूर्स हमेशा? मैंने जितनी भी उनकी फिलोसोफिक जो एफर्ट्स हैं, चाहे वो शौकत खानम हो, चाहे वो नमल कॉलेज जिसका उन्होंने एज अ यू नो ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया है, तो वो देखिए वो सब लोगों के सामने ही है। तो ही उनका जो विजन है चीज़ों के बारे में वो तो यू नो बहुत ज़बरदस्त है फिलोसोफी के अंदर। इट्स कॉल्ड ESR सेगमेंट, एपिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाउ कैन यू मेक सोशल मीडिया बेटर प्लेस टू लिव? ख़त्म कर दें। अच्छा, ये वो बड़ साहब वाली बात की आपने। सोशल मीडिया देखिए एक टाइम वो भी तो था ना जब सोशल मीडिया नहीं था, ठीक है, तो दुनिया फिर भी ठीक चल रही थी। यानी कि कोई हल नहीं है, बंद ही गया? नहीं नहीं नहीं, मैं तो मजाक में बात की। देखो एवोल्यूशन में चीज़ें आती हैं, हर चीज़ के कुछ प्लसेस होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं, और थोड़ा सा इंसान को टाइम लगता है उसको असेस करने में। सोशल मीडिया की डेवलपमेंट इतनी तेज़ी से हुई कि लोगों को खुद ही नहीं समझ आ रही या आई कि ये हुआ क्या है। कुछ रैंडम और सवाल आते हैं आपसे, आप हमारे पास आए हैं, हम क्यों ना ज़्यादा नॉलेज एक्सट्रैक्ट करें। ज़िंदगी क्या है और उसका मकसद क्या है और उसकी जस्तु? ज़िंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। कि जिंदगी गम का सागर आपने भी है। तो बहुत गाया। हंस के उस पार जाना पड़ेगा। ठीक है, हमें एक नया जवाब मिला इसका। आमतौर पर ना एक बंदा इसकी गहराई में चला जाता था, आप उसकी नेक्स्ट लेवल गहराई है। आपका शो का नाम है एपिक शो जी। लाइफ शुड बी एपिक, बिल्कुल, जैसी भी हो, योर लाइफ शुड बी एन एपिक स्टोरी, जिस पर अगर कोई फिल्म बने तो जो बनाने वाला स्क्रीन प्ले लिखने वाला है उसको कोई मवाद तो मिले क्या? मैं D1 से कहता था, आप कहते कुछ तो कर लो। के लिए। अच्छा, अगर आपने इन 3 चीज़ों को स्ट्रक्चर करना अपनी प्रेफरेंस में, अकल, इल्म, इश्क। अकल के मदरसे से उठ, इश्क के मैं कदे में आ। तो इश्क का रुतबा, अकल जो है ना, जो रैशनल माइंड होता है, जो लॉजिकल माइंड होता है, उसकी लिमिटेशन होती है। इश्क और लव की कोई लिमिटेशन नहीं है। सो अगर अकल, इश्क और तीसरी चीज़ क्या थी? इल्म। इश्क, इल्म और अकल। ये बात आप कह के यहाँ से स्टूडियो में चले जाते हैं। वो मेरी मर्जी में जहाँ मर्जी जाओ। अच्छा, शोहरत, इज्जत या पैसा, इनमें से आपने सिर्फ एक चीज़ लेके जाना है अभी। इज्जत। देख ले। नो ब्रेनर, मतलब मैं फिर यहाँ से पैसा लेके चला बस जाते हुए पैसे दे दीजिएगा। वन वर्ड दैट डिफाइंस यू द बेस्ट? Artist. Artist. Okay. And if you get the opportunity to experience time travel, so who would you like to meet? Prophet Muhammad. Peace be upon him. Peace be upon him. आपके बहुत फैंस हैं अली, आपने बहुत लोगों के ऑटोग्राफ्स लिए होंगे, पिक्चर्स उनके साथ। कौन सा ऐसा बंदा है, शख्स या फिर जिसके साथ आपने जाके फोटोग्राफ या उसका सिंग ऑटोग्राफ लिया हो या फिर पिक्चर खिंचवाई हो? बचपन में इमरान खान के पास। Okay. एंड में खान साहब भी आते हैं फिर। उनके न्याजी हर जगह। और फिर वो ग्राउंड में गए थे। अमिताभ बच्चन भी थे। अमिताभ बच्चन, मैं कई इंटरव्यूज में बता चुका हूँ, 3 मेरे हीरोज थे बचपन में, इमरान खान, अमिताभ बच्चन और क्रिस्टोफर रीव, सुपरमैन। अच्छा, सो ये 3 इनको मैं आइडलाइज करता था कि यू नो। योर फेवरेट को स्टार सो फार, जो जिसके साथ आपको बड़ा मज़ा आया? मुझे महमूद असलम साहब के साथ काम करके बड़ा मज़ा आया। अच्छा, उनकी जो एनर्जी और जो, मतलब मैंने महमूद असलम साहब को कभी परेशान नहीं देखा, मैंने उनको कभी गुस्से में नहीं देखा, मैंने उनको कभी कंप्लेन करते हुए नहीं देखा, एक्चुअली जावेद शेख साहब को नहीं देखा। तो वो जो सीनियर एक्टर्स हैं ना, इस तरह के, इसी तरह नैयर एजाज साहब भी थे, जिनकी कोई बात नहीं करता, आप उनकी बात करें जी, क्योंकि हमें तो लाइमलाइट मिल ही जाती है, और लड़कियों के तो अब 4-5-6 मिलियन फॉलोअर्स हैं ही, एंड दे आर ऑल ब्रिलियंट, लेकिन ये वो सीनियर एक्टर्स हैं हमारे जो, जिनकी इतनी ज़्यादा बात नहीं होती है, और उनको वो, मेरे ख्याल में जो उनका रुतबा होना चाहिए जी, जो हमारी जनरेशन को पता लगना चाहिए वो। योर ऑल टाइम फेवरेट डायरेक्टर? क्रिस्टोफर नोलान।